स्वच्छम किंचन चिच्चमत्कृतजनम विश्वार्पणम दर्पणम स्वच्छंदम विमृशामिमां हृदयं त्वं तत् विचित्रं महा दिक्कालार्थविकासहात् सुषमा विश्वक्रमा विक्रमा स्पन्दन्ते सकला कला विफलम् यस्मिन् जगद्रश्मयः। कल जब श्रवण ने कहा व्याकरण के लिए जो है नया जो सुनाते हैं अभी तक तो बहुत करके वेदांत परम श्री कृष्ण परम ऐसे अर्थ सुनाए तो एक सौ व्याख्या सतर्क है गंगा में से 142 व्याख्या उसको आप व्यक्ति के लिए होगी है अपने पास पुस्तक और अभी तक मैंने उसका सहारा ले लिया कोई अर्थ नहीं। अभी आज जो अर्थ सुना रहा हूँ वही उसमें नहीं है। बंशी हरि ने कहा ईश्वर को अपने हृदय में लाकर अवरुद्ध करने वाला
कोई साधन या शास्त्र है, शास्त्र तो ये श्रीमद् भागवत है। शुश्रूषु भी कृतिवि श्रवण करने के पश्चात में श्रवणानंतरम में श्रवण समकालम देना, तब तक शुश्रूषु भी श्रोतुम इच्छु भी जहाँ श्रवण करने की इच्छा हुई कि आओ आओ चले या कहाँ चले तो भागवत सुने, तो भागवत में क्या सुनेंगे, अरे वही सुनेंगे भाई क्या पादन गोपियों के साथ भगवान नाच रहे सुनेंगे, ऐसा सुनेंगे हाँ हाँ वृंदावन है गुणा प्रिंटर गोपियों के साथ मुरली मनोहर दीपांगी श्याम सुंदर नंद नंदन नृत्य कर रहे हैं, यही तो सुनेंगे भागवत में। अरे बाबा सुनेंगे तो बाद में, अभी से आके हमारे हृदय में तो भगवान बैठ गए, सुनने की इच्छा मात्र से भगवान आके हृदय में बैठ नहीं जाते, कैदी बन जाते हैं और बैठे निकल के कहीं जा रहे करके सब छा कर हो जाते हैं। तुम तरह साधन शास्त्र ईश्वर सत्य हृदय अवरुद्ध देते ना अवरुद्ध देते, एक तत्क्षणात और सत्य की पुनरुक्ति बताने के लिए अन्वय का दो विभाग कर दिया जाता है। अच्छा तो ठीक है, मान ईश्वर को हृदय में ला करके जैसे यशोदा मैया ने रस्सी से उथल में बांध दिया था, ऐसे भगवान के श्रवण की इच्छा बन जाती है रस्सी और भगवान को लाकर हृदय में अवरुद्ध कर देते हैं। हमें श्रवण की इच्छा से कैसे अवरुद्ध होते हैं, श्रवण की इच्छा से यह अवरुद्ध होते हैं कि यदि आपके मन में मिठाई खाने की इच्छा हो तो मिठाई बिठाई तो जानते नहीं कि हमको कौन खा रहा है, तो आपके आपके मन में कैसे आएगी उसको पता है, और दूसरे मिठाई को कहीं रखी होगी रखी बनाई होगी तो भी कहीं पात्र में रखती होगी बाजार की होगी सबको कहने के, तो जहाँ इच्छा का हृदय होता है ना उसको देख रहा है भगवान, इसके हृदय में हमारी लीला सुनने की इच्छा हुई और उसको कहीं आना नहीं है, वो तो इच्छा का आश्रय तो पहले से ही है, इच्छा का विषय हो गया, तो आश्रय विषय जब दोनों भगवान हो गया तो इच्छा के पेट में भगवान आ गया। भगवत इच्छा तो हमेशा ही गर्भवती होती है, लेकिन भगवत विषय की इच्छा जो है वो तो भगवत गर्भा होती ही होती है, तो आश्रय भी इच्छा के भगवान, विषय भी भगवान और सर्वज्ञ भी भगवान और सन्निहित भी भगवान और इच्छा के पेट में भी भगवान, इसलिए सद्यो हृदय और उद्यते में कोई शंका नहीं है। तो उसी भक्ति योग के अनुरूपम अब इस जन्मादेश से जन्मा में करता है, कैसे सत्यम परम सत्य भक्ति योगम, भगवान की प्राप्ति सत्य से होती है, पहले बताया सत्य प्रथम दशमस्तम में सत्य परम सत्यमेव परम साधनम, यस्य सत्य ही परम साधन है भगवत प्राप्ति का। सत्य क्या है, जो भगवत प्राप्त हो उसको सत्य है, जैसे निर्विशेष ब्रह्माकार वृत्ति अविद्या की निवृत्ति के द्वारा ब्रह्मात्मय के साक्षात्कार का हेतु, वैसे सगुण ब्रह्म विषया जो रहती है वो सगुण ब्रह्म के साक्षात्कार का हेतु होती है, इसलिए प्यारे माँ हम ध्यान करते हैं किसका, तो भक्ति योग का, तो भक्ति योग का ध्यान करने से क्या होगा, तो ध्यान करने वाला भक्त हो जाए और भक्त के बाहर भीतर चारों हो भगवान जो है तो उसके बस में हो जाए। तो ये भक्ति योग की जो सत्य है ये संसार है और परम है, जो साधन तुम अब तक करते आए हो उसका ये विरोधी नहीं है, उसका धारण करेगा, और यदि वो साधन निर्बल है तो उसका पोषण भी करेगा,
पूरा सुतरा फिर जो साधन पूरा रहेगा उस साधन का संरक्षण करेगा और जो उसमें न्यूनता है उसको पूर्ण भी करेगा। पूरण है ये, पूरण भी है और पालन भी है। जो साधन तुम चाहे योग कर रहे हो, चाहे धर्मानुष्ठान कर रहे हो, चाहे वेदांत विचार कर रहे हो, उस साधन की जितना कर चुके हो उसका तो पालन करेगा, रक्षा करेगा और जो अभी कमी है उसका पूरण करेगा। तो संपूर्ण साधनों का जो योगक्षय वहन करने वाला भक्ति योग है उसका हम ध्यान कर रहे हैं। अच्छा भाई इससे होता क्या है, जगह भक्ति योगा आद्य श्री कृष्ण से जन्म आदर भाव भवती। यदि भक्ति योग का आश्रय लोगे तो जो भगवान अभी परोक्ष है वैकुंठ आदि में दूर देश में है अथवा भविष्य में है अथवा निराकार अथवा दिव्य देश आदि में दिव्य रूप से है वस्तंतर के रूप में है देशांतर में है कालांतर में है अथवा इसी देश में इसी काल में इसी वस्तु में और निराकार रूप से छिपे हुए हैं। तब यतः भक्ति योगात् आत्मस्य श्री कृष्णस्य जन्म भवति जनि प्रादुर्भाव है। अब प्रकट से प्रकट हो जाते हैं भगवान इसी शक्ति योग के बल से। अच्छा जन्मा अच्छा भाई ये भक्ति योग सबका पालक और पूरक कैसे है, जितने भी साधन है उसमें इसका आग्रह है। भक्ति योग के बिना भगवत समर्पण के बिना धर्म पूरा नहीं होता। जब भगवत समर्पण होगा तब धर्म संपन्न हो जाएगा। यदि कोई धर्म में त्रुटि हो तो वो भी निवृत्त हो जाएगी। कोई प्रत्यवायजनक कर्म हो गया होगा तो उसकी भी निवृत्ति हो जाएगी। मंत्रतः तंत्रतः क्षेत्रम देश कालार्ध वस्तुतः सर्वं करोति निश्चित्रम नाम संकीर्तनम करो भागवत का श्लोक। मंत्र में कोई त्रुटि हो गई हो और महाराज वेद में तो मंत्र की त्रुटि हो जाए तो त्रुटि तो होगी पुरोहित से और अनर्थ होगा यजमान का। सब आग नजरो यजमान मेहनत थी न तो पुरोहित न तो निजा न वह होता रहा। हाँ वो होता ऋग्वेद आचार्य का नाश नहीं करता, ब्रह्मा का कुछ नहीं बिगाड़ता। अंत ब्रह्मा की भी है कृपा कृपा वेक्षण रूप कर्म ब्रह्मा करते हैं उनकी हानि होनी चाहिए। परंतु महाराज उल्टा क्या है कि मंत्रोच्चारण में यदि त्रुटि हो जाए तो जगमान की हानि होती है। तो ये क्या न्याय है, अन्याय नहीं है, जगमान का कर्तव्य है। कर्तव्य है कि वो अपने पुरोहित को पढ़ने लिखने की व्यवस्था करे। यदि वो पुरोहित को योग्य नहीं बनाएगा तो उसके घर में योग्य धर्मानुष्ठान कैसे होगा। इसलिए दोष को यजमान का है कि उसने पुरोहित को पढ़ाया लिखाया नहीं, अशुद्ध मंत्र बोलता है। उसे तो घर मंत्र क्षेत्र तंत्र क्षेत्र क्रिया क्रिया में देश काल में क्षेत्र उसके न्यूनतम त्रुटि और अवस्थता जो योग चाहिए गाय का गीत चाहिए महाराज यज्ञ में और मिले ही नहीं डालता से होम हो रहा। शक्कर मिलाना चाहिए वो पाउडर वाली शक्कर जो अशुद्ध होती है उससे होम हो रहा तो वस्तु में भी त्रुटि है। तो त्रुटि तो होती है, पापित बाल जान हवन रखना चाहिए और जहाँ वहाँ पापित दक्षिण जान हो गए वो भी त्रुटि हो गई। तो मंत्र तंत्र देश काल वस्तु से त्रुटि तो होती है और उसको पूरा करने का उपाय क्या है, सर्वं करोति निश्चित्रम नाम संकीर्तनम तव। भगवान के नाम का संकीर्तन हुआ, भगवान के नाम का उच्चारण किया सब निश्चित हो गए और सब त्रुटि दूर हो गए। तो ये क्या है, अन्य है ये भक्ति योग जो है वो धर्मानुष्ठान को भी पूर्ण करता है और ईश्वर परिधान जो है वो योग को पूर्ण करता है, निर्विघ्न बना देता है योगानुष्ठान को
तथा प्रत्यक्ष चेतना विगमोप्यंतराया भावश्च। योग आप भक्ति करो और योगाभ्यास करो तो योग निर्विघ्न संपन्न होगा और प्रत्यक्ष चेतना का अभिगम होगा, समाधि की सिद्धि होगी। नियम में ईश्वर प्रणिधान है, ईश्वर प्रणिधान यानी नियमा हो। क्रिया योग में ईश्वर प्रणिधान है, ईश्वर प्रणिधान यानी क्रिया योग। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान, वो ईश्वर के प्रति जो सर्व कर्म का समर्पण है। चाहे कर्म करने से पहले ही समर्पित कर दो और चाहे कर्म करते समय समर्पित करते जाओ और चाहे कर्म करने के बाद समर्पित कर दो, जहां कर्म का धर्म का भगवत भगवत संबंध हुआ और आपूर्ण। और महाराज ये तत्व ज्ञान जो है ये तो कृतोपासी पुरुष जो होता है श्रवण मात्र से अविद्या की निवृत्ति होकर तत्व साक्षात्कार हो जाता है और जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख जीवन में आ जाता है। यदि भक्ति पहले की हुई हो तो ये भक्ति योग जो है ये अन्वया सब साधनों में अन्वित है। जैसे घटादि में मृतिका का अन्वय है, इस प्रकार साधन मात्र में ही भक्ति का अन्वय है। अच्छा भाई, ये बात तो तुमने बहुत बढ़िया बताई कि जो भी साधन करो भगवान का आश्रय लेकर के भक्ति पूर्वक करो। लेकिन क्या भक्ति केवल मददगार ही मददगार है? किसी का मुकदमा लड़ रहा हो तो उसमें जाके गवाही दे दी, ये खुद भी कुछ करती है तर्कस्थ। यदि धर्मानुष्ठान भी जीवन में न हो, योगाभ्यास भी जीवन में न हो, वेदांत विचार भी न हो तो व्यतिरेक होते बिना किसी साधन के स्वतंत्र भक्ति पुना की मन निष्ठा स्वपाका भी संभव। जो जन्म से चंडाल हैं उनको भी भक्ति पवित्र करने में समर्थ है। स्वादो भी सत्य सवनाय कल्प है, चंडाल भी जो कुत्ते को मार करके खाने वाला है चंडाल, वो भी यज्ञम विनय सवनम विनय सवन फलाय कल्प है। यज्ञ तो वो करेगा नहीं, जब लोग कहेंगे यज्ञ का अधिकारी नहीं, तो ठीक है यज्ञ नहीं करा, लेकिन भगवान नाम का उच्चारण करने से यज्ञ करने वाले को जो यज्ञ का फल मिलता है वो बिना किए उसको मिल जाएगा। जुहु सस्वराजा ब्रह्मानुचु नाम ग्रहण दीजे, ते भगवान नाम के उच्चारण किए महिमा की भक्ति जो है वो स्वतंत्र महाराज साम्राज्ञी है। भगवान की सर्वशक्ति चक्रवर्तिनी केवल दूसरे साधन में अन्वित रहकर साधन को पूर्ण नहीं करते, इतरतः व्यतिरिक्त रह के भी उसको पूर्ण करते हैं। और भक्ति की बड़ी महिमा अर्थेशु अति ज्ञानम जस्मा असौ अर्थेशु अभिज्ञा भक्ति योगा। ये भक्ति योग क्या है महाराज? अभिज्ञानम जस्मा, यदि भक्ति करोगे तो अर्थ के संबंध में तुम्हारा अभिज्ञान ठीक रहेगा, बेईमानी से धन नहीं कमाओगे और दंभ से धर्मानुष्ठान नहीं करोगे और क्षुद्र वस्तु की कामना नहीं करोगे और बनावटी जो नकली मोक्ष है ना, कैवल्य मोक्ष तो इसको आज पर नकली ऐसा ज्ञान हो रहा है, जैसा ज्ञान दे जहाँ पराधीनता बनी रहती है उस मोक्ष को वास्तविक मोक्ष नहीं कह सकते। एक बात ध्यान है तो हमने तुमको मुक्त कर दिया, तो देखो हमारी आंख के सामने रहना कहीं इधर उधर मत, क्या मुक्त किया है? जब आपके घेरे में कैद कर दिया तो मुक्त क्या किया? पाश्चात्य लोग जो है ना वो वैष्णव धर्म में यही कमी बताते हैं, कहते इसमें पराधीनता की निवृत्ति धर्म दर्शन संग्रह है। जो पाश्चात्य दर्शन है ना उसमें वैष्णव धर्म में ही और उसी उत्पन्न की तो उसमें पराधीनता की निवृत्ति पशुपात की निवृत्ति नहीं। तो बोले भाई देखो भक्ति योग जो है
ये ऐसा अभिज्ञान अभिता संपूर्ण ज्ञान अभी तो ज्ञान अभिज्ञान जसना ये प्रतियोग यदि करो तो धर्म में अर्थ में काम में मोक्ष में जितना भी ये बंधन कारणी बुद्धि है और उसकी निवृत्ति हो करके जो जानना चाहो सो जान सकोगे। अरे भाई ठीक है, जैसे भक्ति दूसरों की सहायता करती है वैसे भक्ति को भी तो सहायता करने के लिए कोई चाहिए। भक्ति का सहायक कौन है? अरे स्वराग, ये भक्ति योग जो है ये स्वराग है, परम स्वतंत्र है, ये तो भगवान को भी पकड़ के ले आवे। हाँ भक्ति जो है भगवान ने कहा भागवत में है, अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र साधुग्रस्त हृदय भक्त भक्त जल प्रिय तो बोलते हैं ना हम आत्मान आशा से मन भक्त साधुर्दिलान। जिसके हृदय में भक्ति है, भक्ति के मैं पराधीन हूँ ये तो कहने ही क्या है? जिसके हृदय में देश मात्र भक्ति है उस भक्त के भी पराधीन हूँ मैं। भक्तिरेवैनम दर्शयति, भक्तिरेवैनम नयति, भक्तिरेवैनम दर्शयति, भक्तिरेवैनम वशयति। भक्ति परम स्वतंत्र है, वो भगवान को पकड़ के ले आवे, भगवान का दर्शन करा दे, भगवान के वश में कर ले। भक्ति बसा परमात्मा, परमात्मा भक्ति के अधीन है, इसलिए एवं भूतम भक्ति योगम वयम धीमहि। अच्छा भाई, इस भक्ति योग का आचार्य कौन है? बोले ब्रह्म हृदा, ब्रह्म रीति जस्य असौ ब्रह्म ऋत नारदा तेन नारदेन आदि यादव आदि इति अध्याया कवये व्यासाय ब्रह्म हृदय, ब्रह्म जिनके हृदय में विराजमान है, संपूर्ण वेद ब्रह्म परमात्मा जिनके हृदय में विराजमान है, और बाहर विद्या के भी जो आचार्य है तो नारायण के ब्रह्म ब्रह्मा के नारायण सर कुमार को नारायण तम नाम शोक से परम पावन नारायण। तो ब्रह्मा और सनत कुमार एक एक क्रम है, ब्रह्मा से सनत कुमार, सनत कुमार से नारद, और एक ब्रह्मा से सीधे नारद, और एक नारायण से सीधे नारद, ये भी नर नारायण के भी शिष्य नारद के। तो ब्रह्म हृदय जिनके हृदय में ब्रह्म निवास करता है, उन नारद ने व्यासायन नये आदि आदव पहले फिर नारद जी ने व्यास के हृदय में इस भक्ति योग का विस्तार किया। अच्छा नारद जी ने भक्ति योग का विस्तार किया तो वह कोई कर लेता क्या बात थी? वो लेकिन भक्ति योग जो है और ये सबके मन की चीज नहीं है, सूर्य ब्रह्मादयो की जैमिन्यादयो की तो भागवत में ही है, रामिल के प्रसंग में बोलते हैं देव्या विमोहित बत्मत बत्माया विक्रायण वेद तदिदम न महाजनोयम। तो महाजन का श्रीधर स्वामी ने तो मनवादित किया, महाजन मनवादित, लेकिन हमारे जो गौरेश्वर संप्रदाय जो व्याख्याता है वो कहते हैं कि मनु और मत करो, क्योंकि स्वयं भोग मनु को तो 12 भागवतों में यही है, अभी गिनाया है। तो यदि मनु भी भक्ति योग को नहीं जानेंगे तो अभी जो कहे आए नाम लेकर के आए मनु द्वादशी से भी जानी मो धर्मम भागवतम बता, मेरा अरुचि मालूम पड़ते है। तब तो गौरेश्वर संप्रदाय के लोगों ने कहा कि यहाँ महाजन माने जैमिन यादव जो महाराज कर्म में ईश्वर का प्रयोग नहीं मानते हैं, बड़े प्रत्येक तत्व के विवेक में अंतकरण की शुद्धि में उनका बड़ा भारी योग है। एका निके महति कर्म युज्यमान, वहां पर भोजन की जल सूर्य
ब्रह्मादयो मुह्यन्ति, इंद्रादयो मुह्यन्ति, रुद्रादयो मुह्यन्ति, रामादयो मुह्यन्ति, मुह्यन्ति दत्त हो जाएगा। बलराम भी मोहित हो जाते हैं, किंतु नाम अग्रज सम्य न प्रति मन प्रति वैशिष्ट प्राप्त हो जाता है उनको भी। महाराज ये जो भक्ति योग है, अक्रूरादयो भी मुह्यन्ति, अक्रूर जैसा भक्त भी मोहित, बलराम जैसा शेष भी मोहित, ब्रह्मा जैसा पुत्र भी मोहित, और रुद्र महाराज तो हमारे बाबा भागवत की कथा करते थे, तो ऐसे कहते थे कि जब बारह जो बारह सौ की ओर शंकर जी युद्ध करने आए ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब इनको बाहर कैसे मारे, और वो तो आ गए युद्ध करने। अब भगवान का जो भक्ति योग है वो तो छूट गया, और भक्त के भक्ति योग में पड़ गए। ये बाबा जी लोग जो है ना, अपने गुरु को छोड़ देते हैं, जब चेले से प्रेम हो जाता है तो गुरु को छोड़ देते हैं। जहाँ चेले ने चेला बनाया, अब जब पक्षपात करना होगा तो अपने गुरु का नहीं करेगा, अपने चेले का करेगा। तो शंकर जी ने एक चेला बनाया बारासू, और उसका पक्षपात पक्षपात किया, ऐसा किया कि अपने जो आराध्य हैं इष्ट देव उनसे लड़ाई करने के लिए आगे महाराज। भगवान ने सोचा कि भाई है तो हमारा बेटा ही, और चेला भी है और बेटा भी है, तो हमारा बेटा मरे चेला मरे हमारे नुकसान हो। तब उन्होंने एक ऐसा शस्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जब हाई आने लगी शंकर जी को, तो हाथ से तमाकू लेके वो आए थे लड़ने के लिए, और बाकी हाथ पर तमाकू 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 के उसके नाम से प्रचलित है, तमाकू 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 तमाकू। सारे हाथ माधव जी के याद है, इनको याद है मिर्जा पुलिस को संस्कृत है। तो बाए हाथ पर तो लिया तमाकू, और दाएं हाथ के अंगूठे से रगड़ने लगे। अब बाणासुर देखते है त्रिशूल मारते है, और त्रिशूल तो मारे नहीं, बार बार जमाई आ मस्ती आएगी शंकर जी को। तो मुझे सूरया बड़े बड़े विद्वान भी ये भक्ति योग में यहाँ क्या है, वहाँ भक्त भक्त के दर्श में हो गए, और भगवान के प्रति जो भक्ति योग है उसमें मोह हो गया। और ब्रह्मा जी महाराज, ब्रह्मा जी आए थे देखने के लिए, अघासुर को जो इन्होंने मुक्ति दी वो जरा अवैधिक सी लगती है। अब को मुक्ति देना, पाप को मुक्ति दे, पापी को मुक्ति दी जा सकती है, पाप को मुक्ति नहीं दी जा सकती, कहाँ है देश में। फिर देखा जाके महाराज खाते पीते देखा सबको, और किनके साथ खा रहे हैं, न जात न पात न वैदिकाचार, न गौरव का आचार है, न सरसों पानी खाने कुब्जों का है, ये कौन सा आचार है। सबके साथ खा पी रहे हैं, परस्परम परस्वयंतर स्वस्व भोज्य रुचिम कृतक, उनका बड़ा उन्होंने उठाया और उनकी पकौड़ी उन्होंने उठाई, और कहना गठबंध के पूर्व तो असल में इस मल ज्यादा नहीं होता। और महाराज कोई बाल्टी की बाल्टी खीरे पीता जा रहा है, किसी के पेट पर खीर गिर रही है, ये गोविंद लीलामृत नाम का ग्रंथ है ना, उसमें ये सब चिंता कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी उसको भी देखते मोहित हो गए, बोले अवैधिक आचार, अच्छा ब्रह्मा जी इनका तो आचार अवैधिक है, तुमने अपने गुरु जी में और पिताजी में तो दोष देख लिया, अब तुम क्या करते हो। हम बछड़ों की चोरी करते हैं, ये आचार वैदिक है, किसी के बछड़े चुरा लिए जाए, और ग्वाल बालों को महाराज मनुष्य के बच्चों को चुरा लिया जाए, ये क्या कोई वैदिक आचरण है। स्वयं महाराज आए थे अवैधिक बनाने कृष्ण को, और स्वयं ही अवैधिक हो गए। एवं विमोहन विष्णु विमोहन विश्व मोहनम जय महाराज कद्दू भारत बच्चों। तो बोले भाई ये जो तुम भक्ति का वर्णन करते हो, तो सात्विक होती है, कहीं राजस होती है, कहीं तामस होती है, कहीं लघु होती है। श्रीमद् भागवत में चार प्रकार की भक्ति का वर्णन मिलता है, कपिल देव के प्रसंग में
हिंसा संभावी के कारण और कामना के कारण और दूसरे को हानि पहुंचाने के कारण और भगवान की ही भक्ति भी रजोगुणी तमोगुणी सत्योगुणी हो जाती है। तो बोले कि हाँ ये ठीक है, ये जो भक्ति है इसकी शुद्ध भक्ति नहीं है। ये तेजोदारी मृदाम यथा विमया, जैसे सम्मिलित सत्वगुण से मिश्रित भक्ति, रजोगुण से मिश्रित भक्ति, तमोगुण से मिश्रित भक्ति, ये तो विनिमय हो गया, परस्पराभ्यास हो गया, शुद्ध भक्ति नहीं है। भक्ति योग शुद्ध नहीं है, पर शुद्ध कहाँ है? मद गुण शुद्धि मात्रेणा मई सर्व गुहास मनोगत रविच्छिन्ना यथा गंगा मसो गुभौ लक्षण भक्ति योग से निर्गुण से चुराधाम। ये निर्गुण भक्ति योग है, ये जो सत्व रजत तम है ये तो आगंतुक है भक्ति में, भक्ति का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये तो परस्पर ये तो व्यास है, यत्र सर्गो मृषा यत्र जस्मिन भक्ति योगे त्रिसर्ग त्रयाणाम गुणानाम संसर्ग संसृष्टि। भक्ति योग में तीन गुणों का जो संसर्ग है वो मृषा, यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त। ये भक्ति योग महाराज जिसके आश्रित है, भक्ति योग का जो विषय है, भक्ति योग का जो शुद्ध आलंबन है स्वधामना, स्वस्य धामना स्वधामना तेन स्वधामना स्वास्त्रे तेन भगवता स्वेन धामना। तो स्वधाम शब्द का प्रयोग दोनों अर्थ में धाम करते, एक तो त्रिशु धाम सुजल भोग्यम भोग का दृष्ट प्रकृति का, ये तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति के अर्थ में है, और तुरियन के धाम ध्वनि गिरवर उन्नाम भी, यहाँ तो तुरीय वस्तु के लिए धाम शब्द का प्रयोग है। तत्ते धाम जो सबका अधिष्ठान है, स्व प्रकाश अधिष्ठान, उसी को स्वधाम बोलते हैं। भक्ति क्या करती है ऐसे करो, स्वेन भावना स्वेन आत्मीय भावना भगवता ब्रह्मणा, जहाँ जहाँ भगवत की भक्ति जाते हैं वहाँ वहाँ अपने परम आत्मीय स्वामी पतिदेव वो अपने साथ ही साथ लेके जाते हैं। जहाँ भक्ति वहाँ भगवान, भूतस्तु भगवान या कि नीच गृहेश्वरी खुदा भूतस्तु भगवान, भगवान को जब भक्ति पुकारती है तो महाराज जहाँ हो नीच से नीच के घर में चली जाती है। भक्ति में किसी का अधिकार नहीं होता। आपका जो मंदिर है व्यक्तिगत, उसमें जाने न जाने का अधिकार अधिकार हो सकता है, लेकिन भगवान तो सबके पिता है, सबके स्वामी है, सबके गुरु है, और जैसे प्रत्येक शिष्य को अपने गुरु के पास जाने का हक है, जैसे प्रत्येक पुत्र को अपने पिता माता के पास जाने का अधिकार है, जैसे प्रत्येक सेवक को अपने स्वामी के पास जाने का अधिकार है, इस प्रकार महाराज प्रत्येक जीव जो है शेष उसको अपने शिष्य भगवान के पास जाने का अधिकार है, और अपनी योग्यता के अनुसार सेवा करने का भी अधिकार है। यहां पुरुषम साक्षात आत्म प्रभव ईश्वरम न भजन तव जानती स्थानाद दृष्टा स्वतंत्रता। यहां चतुर्णाम वर्णाना भगवान की भक्ति को सब कर सकते, और भक्ति जब सबके घर में जाएगी तो असल में जहाँ भगवान है वहाँ भक्ति जाएगी, और जहाँ भक्ति रहेगी वहाँ भक्ति के हृदय में भगवान होंगे, और भक्त के बिना तो भगवान बनेंगे कैसे। तो स्वेद भावना भक्ति के हृदय में जो बैठे हुए हैं भगवान, और उससे निरता कुहता ये है तम परम भक्ति योगम सत्यम इमय निरस्त कुहकम। कुहक माने जहाँ भक्ति है वहाँ मृत्यु नहीं है, कुहक माने मृत्यु। भागवत में कुहक पक्ष होगा दशत्व
ग्यारह के कुछ वगैरह था। तो दुरस्थ को माने जहाँ भगवान की भक्ति है वहां मृत्यु की छाया भी नहीं है। कुहतम छपटा कुहत माने कपट, जहां भगवान आगे हैं जब तक अपने हृदय में कपट का निवास है तब तक भगवान कपटावृत रहते हैं। वो तो माने भगवान और पट माने आदरण तो माने कम ब्रह्म कम ब्रह्म कम सुखम कम जल कम शिरा तो पर्दा है। कब तक पर्दा है महाराज? जब तक भक्ति हृदय में नहीं है तभी तक कपट है। ये दबका है क्या तुम्हारे जी नहीं समझते कि तुम कहाँ से है? बंधो माया बंधे ये बंध के रूप में पाए मृत्यु अथवा कुहत माने हत्या अविद्या तमस। तो जब भगवान को ले करके अपने हृदय में भक्ति योग जो है जब आता है तो अविद्या माया रूप कपट की निवृत्ति हो जाती है, मृत्यु की निवृत्ति हो जाती है, अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। ये भक्ति योग जो है ये संपूर्ण अनर्थ का निवर्तक है। एवं भूतं परम सत्यं शशिष्यावरम ऐसा जो परम सत्य है भक्ति योग उसको शिष्यों के साथ हम ध्यान करते हैं। अब इसका विवरण कल सुना देते हैं।